दोस्तों, मैं आशीष कुमार इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मैं आपका कोई पोस्ट ऑफिस से सामान लगाया गया है या आपको कोई भेज रहा है तो उसे ट्रैक कैसे कर सकते हैं। मतलब स्पिरिट पोस्ट से कोई अगर मैं कुछ सामान भेज रहा है, जैसे कि देखिए मैंने ये जितना भी आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर भी है और मैं इसमें ट्रैक करके कब कब भेजा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जब भेजा गया है मैं यहाँ पे मतलब बहुत सारे सामान डेली के मतलब 20-25-30 ऐसे ही भेजता रहता हूँ, ठीक है। तो आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका सामान अपने के एड्रेस पे पहुंचा है या आपके एड्रेस पे कब तक पहुंच जाएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि स्पिरिट पोस्ट से कोई लगाया है या आप लगाए हैं दूसरे के पास, ठीक है, तो क्या उसका सामान वहाँ पे पहुँचा है या आपका कोई फ्रेंड कोई आपके पास सामान भेजा है स्पिरिट पोस्ट के थ्रू, तो क्या आपके वो पिन कोड पे आ गया है या नहीं आया, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने का पोस्ट इन्फो को आपको डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बस क्या करना है, ओपन पे क्लिक करना है, अलाउ आपको फिर से अलाउ पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना, आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर लेके जाना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको क्या करना है इसे ट्रैक करने के लिए कि कहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ पे देखिए आपको बस इस पर क्लिक करना है। वो यहाँ पे एक नंबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए 4/9/2020 को लगाया गया है, ठीक है, और इसमें से कोई भी नंबर मैं उठा लेता हूँ और आएगा ये 4/9/2020, बट मेरे को वहाँ से नोएडा से 2/7/2020 को लगाया गया था, तो मैं वहाँ पे जो ट्रैकिंग नंबर है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इसे जोड़ना है, मतलब ये 6+2 तो ये कितना होगा, 8 होगा, तो मैं यहाँ पे 8 लिख के देता हूँ और सर्च कर देता हूँ। देखिएगा अभी ये बताएगा किसने कहाँ से भेजा है और किस एड्रेस पे वो पहुँचा है या रुक गया है। तो ये जो मैं आपको ट्रैकिंग नंबर दिखा रहा हूँ ये मेरे पास मेरे नोएडा से हेड ऑफिस से भेजा गया था, जो कि मेरा सामान आता है, ठीक है, यहाँ से देखिए नोएडा से भेजा गया था, तो 2/9/2020 को वहाँ से भेजा गया था, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, यहाँ जितने बजे वहाँ पे ये दिया गया था, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, वहाँ से कब डिस्पैच हुआ था ये भी दिखा रहा है यहाँ पर टाइम, ठीक है, और वहाँ से किस नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर जाएगा, तो यहाँ से जब नोएडा से निकला था तो गोरखपुर में आ गया था 4 तारीख को, और जैसे गोरखपुर में आया यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी बताता है जब गोरखपुर में आएगा तो यहाँ पे रिसीव्ड होगा, मतलब यहाँ पे गोरखपुर में आ जाएगा, वहाँ पे रुका रहेगा, और जैसे गोरखपुर से निकलेगा दूसरे एड्रेस पर तो यहाँ पे डिस्पैच दिखाएगा। जैसे कि समझिए कि गोरखपुर से जैसे निकला ना, तो अब निकलने के बाद ये ला रोड में पहुँच गया, ठीक है, मतलब देखिए मैंने मेरे एड्रेस पर 5 तारीख को आ गया था, ठीक है, मेरे पिन कोड यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पे देखिए मेरा पिन कोड भी दिखा रहा है कि नोएडा से भेजा गया था इस पिन कोड पे, ठीक है, ये जिस जो सामान भेजा गया था 424 रुपये का भेजा गया था, मतलब नोएडा हेड ऑफिस से मेरा सामान भेजा गया था और 424 रुपये उन्होंने लगाया था, ठीक है, और यहाँ पे लारूड उनको भेजना था, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि देखिए पहले जब वो भेजे थे नोएडा से तो 18/17/40, ठीक है, यहाँ से जब वहाँ से निकला था, ठीक है, यहाँ से देखिएगा डिस्पैच यहाँ पर बताएगा, अब यहाँ पर बता रहे हैं डिस्पैच, मतलब डिस्पैच वो रात को ही हो गया था 2 तारीख को ही, ठीक है, और जैसे वहाँ से निकला था ये 4 तारीख को गोरखपुर में आ गया था, ठीक है, नोएडा से सीधा गोरखपुर में 4 तारीख को आ गया, कितने समय पे आया था और वहाँ पे रुका था ये बता रहा है, और जैसे गोरखपुर से निकला था तो वो गोरखपुर से निकलने का मतलब यहाँ पर डिस्पैच हो गया था। अब समझिए कि ये गोरखपुर से मेरा जब निकलेगा ना तो यहाँ पर डिस्पैच बताएगा, तो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्पैच बता रहा है, वहाँ से निकलने के बाद ये लाल रोड में जब पहुँच जाता है जिस पिन कोड पर भेजा जाता है यहाँ पर पहुँच जाता है, तो आप जाके अपना ले सकते हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर मैं आपके पोस्ट ऑफिस पर आता है और नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पोस्ट ऑफिस वाला क्या करते हैं, जिस एड्रेस से भेजा गया उसी एड्रेस फिर से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब रिटर्न करते हैं 2-4 दिन वेट करते हैं, अगर मैं आप वहाँ से नहीं लेते हैं आपके एड्रेस पर पता करते हैं नहीं रहते हैं, तो जिस एड्रेस से जैसे समझिए कि मेरे को नोएडा से भेजा गया था हेड ऑफिस से, अगर मैं ये नहीं जाके देता या मेरे पोस्ट ऑफिस मास्टर नहीं लेके आते, ठीक है, तो ये जो नोएडा से आया फिर से वहीं पर रिटर्न चला जाता। अब चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें ट्रैकिंग नंबर कहाँ होता है, यहाँ पर देखिएगा। अब ट्रैकिंग नंबर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर EN होता है, EU होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए EU, यहाँ पे भी EU है, यहाँ पे भी, मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं लगाया हूँ इसके लिए यहाँ पे बता रहा है। इसमें से मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं 4/9/2020 को लगाया था, तीन दिन पहले का मैं लगाया था, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ट्रैक करने का कोशिश करता हूँ, तो चलिए यहाँ पर मैं शुरू वाला यहाँ से एक ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ए वाला दूसरा नंबर, तो यहाँ पर ट्रैक करने के लिए मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बाहर बैक चला जाता हूँ, फिर से इस पर मैं क्लिक किया,
तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रैकिंग नंबर डाल दिया हूँ, ये वाला है ठीक है, EU, थोड़ा बहुत ये दिखता नहीं है बट ये यहाँ से देखिएगा EU1 या और EU रहेगा और नंबर रहेगा और IN तक रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। और बस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मतलब 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, उसके बाद मैं सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये बताएगा कि ये जो मैं यहाँ से लगाया गया था ये कहाँ पे जाके रुका है। यहाँ पे देखिए मेरा जो मैं जहाँ से लगाया था जिस पिन कोड से यहाँ पे बता रहा है ठीक है, और जितना मेरे रुपया लगा था यहाँ पे बता रहा है। अब ये कहाँ पे भेजा जा रहा है ये भी यहाँ का पिन कोड बता रहा है ठीक है। अब ये जाके रुका कहाँ पे ये देखिए पहले, अब मैं लगाया था सलेमपुर से, सलेमपुर से डिस्पैच हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्पैच लिख रहा है, डिस्पैच हुआ तो गोरखपुर में आया है, गोरखपुर में इतने तारीख को गोरखपुर में पहुँचा, और देख सकते हैं मतलब ये गोरखपुर में ही जाके रुका हुआ है ठीक है। और जो इनके एड्रेस पे जा रहा है ना ये जाके रुक गया है ठीक है, लोकेशन इनका यहाँ पे बता रहा है ठीक है। तो आप लोग भी पोस्ट ऑफिस से अगर मैं सामान वामान भेजते हैं स्पीड पोस्ट से ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर होता है इसे यहाँ पे डालिएगा ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बाजू कर देता हूँ और इस पे क्लिक कीजिएगा और यही वाला डालिएगा ठीक है, ये वाला ठीक है यहाँ पे डालिएगा, और ये जो भी एक इमेज दिखाएगा इस पर फिल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, वो बताएगा कि आपका कहाँ तक आ गया है ठीक है। तो आपके पिन कोड पर आ जाता है, तो जिसे आपके पिन कोड पे डिस्पैच बताता है ठीक है, वहाँ पे जाके पिन कोड से अपने पोस्ट ऑफिस से जाके लीजिए, या नहीं तो पोस्ट मास्टर आपके घर आएगा और देके जाएगा ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि स्पीड पोस्ट लगाते हैं तो उसे ट्रैक कैसे करते हैं ठीक है। तो आप लोग इसी तरह ट्रैक कीजिएगा और आपका सामान जो भी रहेगा स्पीड पोस्ट से आ जाया करेगा ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई मन में शंका होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।